चैन कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं, हिंदू मुसलमान का हो किसी का भी हो, जब से बीच में आइए जब से जिंदगी बर्बाद होगी जल्दी बात होगी। अगर नीतीश कुमार हट जाएगा तो मोदी तो अपना भी हट जाएगा, उसे हटाने की जरूरत ही क्या है। चाचा पलट जाएंगे, चाचा पलट रहा हूँ तो कभी पलट सकते हैं, उनको कोई भरोसा थोड़ी नहीं है। आलू 40 रुपए किलो हैं, टमाटर 80 रुपए किलो हैं और हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं लॉकडाउन के बाद। क्या विकास है, इसको विकास कहते हैं? भारत सरकार तो, अगर भारत सरकार इतना अच्छा काम करती तो इस दोबारा मजोटी में नहीं आती। मजोटी इस बार नहीं आई इसी कारण थी, क्योंकि लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, रोजगार नहीं है। ये जितने लोग खड़े हैं इनसे हाथ उठा के बताओ कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने, देखिए देखिए कितने लोग बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार। मतलब ये भी टमाटर हमारे भारत के अंदर पैदा होता है तो 80 रुपए किलो है। धनिया, हरा धनिया हमारे भारत के अंदर हमारे किसान भाई पैदा करते हैं तो 200 रुपए किलो है, 500 रुपए किलो है, जो कि 10 रुपए किलो बिकने वाली आइटम है। ये क्या हो रहा है, ये कालाबाजारी नहीं है तो क्या है, बताइए आप। अभी जैसे भाजपा जो है उनका कहना ये है कि विपक्ष जो है उनका वोट बैंक सिर्फ माइनॉरिटीज है, मुस्लिम है, वो कहती है उनको डर है कि वो उनका वोट बैंक छिन ना जाए। भाजपा अगर विपक्ष का माइनॉरिटी वोट बैंक होता तो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो या पिछड़ा समाज हो तो इतनी सीटें विपक्ष की नहीं आती, नहीं आती। भाजपा की सीटें कम होने का कारण ये था कि उन्होंने सिर्फ एक ही बिरादरी को काम किया, दलित को, ओबीसी को बिल्कुल छोड़ दिया था, मुस्लिम समाज को छोड़ दिया था। सिर्फ उनके एक ही बात था, बनिया ठाकुर हमारा राज होगा, हमारी बात होगी, हमारा काम होगा। हिटलर शाही जी, हिटलर शाही अब नहीं चलेगी भारत के अंदर। पीछे पीछे जो नेम प्लेट का मुद्दा उठाता पता है आपको? हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रोक लगाई उस मामले को, और हमारे कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने जाके उस पर एक बहुत ही अच्छे विचार रखे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि रोक लगा दी और वोट हटा दिए गए। अभी आपका क्या नाम है? सऊद अहमद। ये बताइए कि अभी यूपी में एक और, अगर आप लोगों को पता हो तो, कि लव जिहाद को लेके और धर्मांतरण को लेके प्रावधान हुए हैं, ये बोला है मीडिया। आप क्या ढूंढ रहे हो, ये बताओ क्या ये बेरोजगारी? नहीं, बताओ, मैं बेरोजगारी ढूंढ रहा हूँ, बताओ आप बेरोजगारी ढूंढ रहे हैं? सवाल बेरोजगारी ढूंढ रही है, रोजगार ढूंढ रहे हैं, ये बताइए आप बेरोजगारी कैसे ढूंढेंगे? आप तो रोजगार ढूंढेंगे ना। एक बात बताओ मेरे को आप पूछिए तो, रोजगारी कैसे ढूंढेंगे? रोजगार ना कहीं सुकून है ना कहीं चैन है, सुकून चैन नहीं है। अब बताओ मैं कहाँ से लाऊं ये सुकून चैन ढूंढ के? किसने आपका सुकून चैन? नहीं, मीडिया मेरे को ये बता, सुकून चैन कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं, हिंदू मुसलमान का हो किसी का भी हो। रजत शर्मा ने पूछा था मुझसे सवाल, ये मीडिया मेरे को एक बात बता, हिंदू मुसलमान का चैन मैं कहाँ से लाऊंगा ये बता दे मुझे। एक मिनट पहले मीडिया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मीडिया, मैं तेरे पैर पकड़ूं। क्या नाम है, क्या समस्या लग रही है, पहले तो ही बताइए। सर मेरा समस्या ये है, मैं एक मजदूर हूँ, रिक्शा चालक हूँ। हाँ। ठीक है, पहली बात ये है कि मैं रिक्शा कहीं लेके जाता हूँ तो कहीं ट्रैफिक वाले, कहीं 5 नंबर वाले पकड़ लेते हैं आपको। हाँ जी, क्यों? अब सर ये समस्या आपको मालूम होगी। नहीं, समस्या क्या आपको? जे क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, ये मैंने मालूम है। आप कोई कानून तोड़ते हैं, कोई ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं क्या? नहीं सर, नहीं तोड़ते। नहीं। तो क्यों पकड़ती है? हम अपनी साइड जा रहे हैं, अपनी साइड आ रहे हैं, मैं अपनी साइड जा रहा हूँ, अपने आ रहा हूँ, लेकिन ये क्यों पकड़ते हैं? मैं अपने बच्चों पेट पर लगा रहा हूँ, मैंने जैसे तैसे अपने पेट पाल के काट के अपना एक्सा लिया है 80,000 का, और जे 5 नंबर वाले पकड़ लेते हैं। अच्छा, जी क्यों पकड़ते हैं? आपके पास उसमें लाइसेंस वगैरह होता है? नहीं, कुछ नहीं। आपके पास लाइसेंस नहीं है तो चलान तो वैसे ही होगा। लाइसेंस तो फिर नहीं है तो चलान तो कटेगा ही ना। तो जे सरकार जाने ना,
सरकार तो आप अप्लाई करेंगे तभी तो लाइसेंस अप्लाई होगा। सरकार करे ना, आपको लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट जब पास हो जाएगा तब आपका लाइसेंस। अगर आप बिना लाइसेंस के रोड पे वाहन निकालेंगे तो चालान तो कटेगा सर। गाड़ी देखो, हम भी चलाते हैं, ड्राइवर मैं भी हूँ, ठीक है ना। मैं भी वर्दी में निकलता हूँ घर से, मेरे पास लाइसेंस भी है, ठीक है, बैज भी हैगा, ऑटो चलाता हूँ मैं, और जो कोई गलती करूंगा तभी तो चलान होगा। ये देखिए, ये नहीं नहीं, लाइसेंस नहीं है आपके, लाइसेंस नहीं हो तो पुलिस तो पकड़ेगी। क्या नाम है? मेरा नाम मुकब्बर अली है। क्या मुकब्बर अली? ये बताइए कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है क्या? उसमें कोई बात नहीं, मगर महंगाई बहुत है। महंगाई है, महंगाई है। वो बोलती है कि सैलरी भी बड़ी है इससे, तो सैलरी के हमारा, हम तो सैलरी किसी चीज की नहीं बढ़ी, सैलरी उनकी बड़ी है। आगे आ जाएंगे आप जी। सैलरी उनकी, सैलरी जो है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है ना इस टाइम पर, उसकी ही बड़ी है, बाकी किसी की नहीं बड़ी है। यहाँ पर जो आवाम, है ना, वो सब परेशान है, कोई सुख में नहीं है। यहाँ महंगाई है, वो आसमान छू रही है, हर चीज आसमान छू रही है। यहाँ पर कोई कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सबके काम धंधे खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल जी, मेन मसला ही है। सबसे मेन बात मेरी सुन लो, जैसे आप कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, पर आजकल में ऐसे ऐसे देश में ऐसे ऐसे हो रहा है जो कुछ नहीं होना चाहिए अपने भारत के अंदर। ऐसा क्या हो रहा है जो भारत के अंदर नहीं होना चाहिए? जैसे बीजेपी, जैसे लाई दंगा, इधर आइए, आगे आइए, बीजेपी हटनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। अच्छा, जैसे जब से बीजेपी आई है, जब से जिंदगी बर्बाद होगी, किसी बात में होगी, कौन सा किसी बात में खुश है मुझे बता दो। लेकिन वोट तो जनता ही देती है, तभी तो वो आते हैं। नहीं आती जनता नहीं देती वोट, वो गड़बड़ कर रहे हैं। हमसे पूछो ना, मशीन में गड़बड़ हो रही है, पिछली बार भी हो गई, फिर वो तो भी हो गई है। फिर वो ये भाजपा ये बोलती है कि जहाँ भाजपा, बोल मैं सही बोला, सुनिए तो सर, सुनिए, पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार नहीं आती थी 2019 में, हाँ नहीं आती, आई गाय में मशीन में गड़बड़ करके आई। वो कहती है, फिर भाजपा कहती है अगर किसी राज्य में भाजपा आ जाए तो मशीन में गड़बड़ी है, कांग्रेस है कोई दूसरी पार्टी जीत जाए कांग्रेस आएगी, मशीन में गड़बड़ी नहीं है। वो ये बोलते हैं, एक बात बताओ, जब तुम हम यहाँ पर सबके सब कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या आम आदमी को वोट दे रहे हैं, तो उसमें कैसे चला जाएगा जी? जब पूरी खजूरी को इतना पता है कि हमने उसे वोट दिया है, तो बताओ कैसे चला जाएगा वोट वहाँ पर? ये अभी जो लोकसभा के इलेक्शन जो हुए जी, दिल्ली में जो सातों की सातों सीट सारी बेईमानी से आई है, एक भी कोई नहीं आएंगे ईमानदारी से। केजरीवाल जी के साथ भी बेईमानी करी गई है, बेईमानी हुई है, बेईमानी हुई है मैडम। वो कहते हैं दारू फ्री करेगा तो जेल में तो जाएंगे वो, चार दिन बाद ऐसा होगा, उन्हें चार दिन बाद ये होगा, उन्हें हार्ट की बीमारी आ गई, मर गए। ऐसे नहीं बोलते, बच्चों की फ्री करी, ये लेडीजों के बच्चों की फ्री करी, किस बात पे फ्री कर दी? केजरीवाल जी ने फ्री करी ना, गलत करा ना, गलत किया उसने भी, गलत किया ना, ये किस बात पे किया? क्या खाने दे रही लेडीज उनको? ये आदमी मर्दों की को नहीं फ्री करा, मर्दों को फ्री कर दी जब तो मान या तो ऐसा हो कि अगर महिलाओं के लिए फ्री कर रखी है तो जेंट्स के लिए भी फ्री करे, या तो ऐसा हो कि महिलाओं के लिए भी कुछ पैसे लगाए जाए। हाँ, कुछ लगाए जाए, क्यों नहीं लगाए जाए? ये गलत है जो फ्री कर, हाँ गलत है। गली में कूड़ा किसने डाल दिया है? एक तो नाली वाले आते हैं, ठीक है, उन्हें अपने काम करके चले गए, उन्हें सफाई करके चले गए, उन्हें गेट पे लगा दिया। दूसरे कुछ गली वाले, मकान वाले, किराएदार, वो कूड़ा डाल देते हैं, लाख मना करने के बाद फिर भी डाल देते हैं, कभी चोर छुपे डाल देते हैं। अब वो गुड आम के पौधे उग के बागान हो रहे हैं। अब बताओ, कूड़ा आप तक नहीं उठा है, मैं आपके लिए क्या कहूँ? मतलब ये बताइए, साफ सफाई होती है एमसीडी? साफ सफाई नहीं होती है, एक कुछ नहीं होती है, एक महीने सकल दिखा लेते हैं, सकल दिखाते हैं, मैं आ गए, हम आ गए, गाड़ी नहीं होता है, सकल दिखाते हैं, गाड़ी भी नहीं आती है, गाड़ी कहाँ आ रही है, बहुत कम है आ रही है, सकल दिखाते हैं, हम आ गए और चले जाते हैं। सफाई में जो हमारे क्या नाम है, यहाँ के वो है आमिल भाई, आमिल मलिक सॉरी, जो इन्होंने अभी साफ सफाई बीच में नाले वगैरह सफाई करवाई थी उन्होंने, ठीक है ना। अब जो बरसात में पानी भरा गया है, हाँ भी कोई, हाँ जो बारिश हुई है, परसों ही बारिश हुई थी जो, उसमें पानी इतना भर गया था यहाँ पे, जो के घुटने से ऊपर पानी आ गया था, उसमें नाले क्लीन नहीं हो पाए। उसके बाद में सफाई कर्मचारी जो हैं वो नाकामी करते हैं, मतलब घरों में कूड़ा हम पैसे दे के उठवाते हैं, जो भी आते हैं रिक्शे वाले, हम उनको 20 रुपये डेली देते हैं, वो लेके जाते हैं कूड़ा। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्योंकि एमसीडी जो है वो केजरीवाल की है, जी जी, आम आदमी पार्टी की सरकार की है, केजरीवाल है, जी जी बिल्कुल, इसके जिम्मेदार है वो, हाँ जी बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है जी। जब यहाँ साफ सफाई नहीं होगी, जब क्या नाम है, कर्मचारी नहीं आएंगे साफ सफाई, आप कैमरा घुमा के देखिए, क्या केजरीवाल आगे आइए सर, यहाँ गंदगी देखिए, केजरीवाल जेल में पड़े हैं तो केजरीवाल क्या करेंगे बताओ? केजरीवाल कोई दोस्त नहीं है, केजरीवाल जब
बेचारे वैसे भी बंद है तो क्या करेंगे वो बताओ। अभी एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी में कितने नेता है? सिर्फ अभी केजरीवाल जी जेल में है, तो केजरीवाल जी के जेल में होने से क्या का सरकार का, उस सरकार का काम रुक जाएगा? नहीं, काम सरकार अपना काम नहीं करेगी अगर मुख्यमंत्री जेल में होगा तो। काम तो नहीं रुकता, मगर उसका जो मुख्यमंत्री वो भी उस जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री वो भी जेल में है। मैम एक बात पूछना, बदमाशी ये चल रही है, बदमाशी गिरी और लड़कियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, वो बीजेपी कर रही है क्या, कांग्रेस कर रही है, इसका जवाब मेरे को आप चाहिए। देखिए सुनिए, रही बात बदमाशी की, ठीक है, तो यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए कि सिक्योरिटी, कोई सरकार ये नहीं कहती कि बदमाशी करो, वो इंसान की नियत होती है पहली बात, और यहाँ के पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पे महिलाएं या चोरी चकारी कोई है। पुलिस वाले देखते ना, पुलिस वाले अलग, लड़कियों की इज्जत होती है, पुलिस वाले बस खाली सिग्नल देखते रहते हैं, यहाँ पैसा पैसा आएगा जब हम अपनी जेब में भरेंगे, और यहाँ की दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं करती, और जब जब बीजेपी की जब बोलती है, और योगी को क्यों हटा रहे हैं, योगी को लेके आओ ना, योगी तो यूपी के हैं ना, योगी यहाँ के नहीं, योगी को क्यों नहीं कर रहे आप, क्या हो गया भाई साहब, योगी यूपी के हैं, उन्हें कौन हटा देगा, वो दिल्ली के वैसे वहाँ से हटाया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है सर। अभी एक और हवा थी, जो विपक्ष है ना, विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी जो हो गई, उन्होंने ये बोला कि भाजपा ही षड्यंत्र रच रही है योगी जी को हटाने का। नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्या भाजपा षड्यंत्र रच रही है योगी जी को हटाने का? योगी जैसा कोई मतलब आज तक योगी कांग्रेस मैडम एक बात छोटी थी, अगर नीतीश कुमार हट जाएगा तो मोदी तो अपना भी हट जाएगा, उसे हटाने की जरूरत ही क्या है, चाचा पलट जाएंगे, चाचा पलटू राम तो कभी पलट सकते हैं, उनका कोई भरोसा थोड़ी नहीं है, भाई पलटू राम उनका चाचा पलट जाएंगे, चाचा के पास कितनी सीट है भाई, कितनी सीट है, कितनी की सीट नहीं, मगर है तो भाई कांग्रेस में पहुंच जाएंगी, देखो चाचा को हटना पड़ेगा भाई, सरकार बन जाएगी भाई, भाई नहीं बनने की कांग्रेस सरकार तो बनने की नहीं, जब टूट भी गया नीतीश कुमार टूट भी गया तो भाई देखो मतलब नहीं होता है, क्या क्या बनना है, पर नीतीश कुमार अगर हट भी जाता है तो जब भी सरकार नहीं टूटती, नहीं टूटेगी अगर नीतीश चाचा हट गए तो, मतलब नहीं होता सरकार बनना हर हाल में टूटेगी, क्योंकि विकास नहीं करता होता बिल्कुल भी, यूपी में योगी के राज में विकास नहीं होता बिल्कुल भी, वो तो बोलते हैं योगी जी के राज में यूपी में गुंडागर्दी कम हो गई है, महिलाएं तो गुंडागर्दी तो गुंडागर्दी तो हो रही है, आप देखो कितनी कम हुई है, कितनी गुंडागर्दी हुई है, एक मिनट, गुंडागर्दी यूपी में खत्म हुई है, खत्म हुई है, ये तो बोल रहे नहीं दिल्ली वाले को जान से मार दिया, ये गुंडागर्दी नहीं क्या है, पहले मर्डर हुआ है, अभी क्या खत्म हो गई, जीटीवी में एक हफ्ते पहले मर्डर हुआ, अरे क्या खत्म कर दिया, दिल्ली वाले को मार दिया कावड़ियों ने, क्या कहा गुंडागर्दी, कावड़िया वाले मरे क्या हुआ उसका, हाँ पब्लिक को तो भी मार दिया, नहीं नहीं मजाक में भी कावड़ी वाले ने मार दिया, वो चलता है ऐसे तो, वो तो भाई न्यूज में बॉर्डर में भी मर जाते हैं ऐसे, यार बात सुनो, लड़ाई दंगे चलते रहते हैं, वो लॉजिक मत रखो, ये फ्री है, हिंदू मुस्लिम वाले राजनीति मत करो, पॉलिटिक्स में बोलो बोलना है तो, कावड़ियों को दी जा रही है ऐसी सिक्योरिटी भी दी जाए ना, कोई किसी को नाजायज नहीं सता है, नाजायज नहीं सता है, जैसे सिक्योरिटी दी जाती है, मुसलमान भी कावड़ियों की मदद करते हैं, कई जगह खातिर तवाजो कर रहे हैं मुसलमान भी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो जो सुविधा कावड़ियों को मिल रही है ऐसी ध्यान भी रखना चाहिए कि कावड़ियाँ कोई गलती ना करें, समझे, ये होना चाहिए। अभी पीछे पीछे अगर यूपी में ये लाया गया था कि कावड़ियों यूपी में जितने भी होटल या रेडी वाले होंगे उनको अपना नाम दुकान का सार्वजनिक करना पड़ेगा, ताकि कावड़ वाले ये देख पाए कि हिंदू से सामान खरीदना है या मुस्लिम से लेना है। नाम देखो, इंसानियत है, अगर इंसान के अंदर है तो उसके अंदर ईमान है, चाहे कोई सी भी इंसान हो उसके अंदर इंसानियत होना चाहिए, सामान हम किसी से भी ले सकते हैं, नहीं गलत, देखो हम सब अब यहाँ हलवाई है भगवती हिंदू है, हम भी लेते हैं सामान, इसमें कोई बात नहीं, तो फिर इसमें गलत है कि अगर जिसका नाम है तो अपने नाम से वो दुकान चले, उसमें भी क्या गलती है, पता है यहाँ फेमस आदमी ये मुसलमान की दुकान, नहीं यूपी में, यूपी की दिल्ली में योर वो रूल यूपी के लिए लागू हुआ था, तो फिर ये मुद्दा भी तोड़ता है कि अगर आप सच्चे हैं तो अपना नाम बताने में, अपनी दुकान में नाम लिखने में क्या दिक्कत है, जब हमारी जन्मभूमि यहाँ की है, हम रहने वाले यहाँ के, नाम बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, यूपी में मैम क्यों कराए लागू हुई है भाई, हर जगह
कराई रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा यूपी में लागू हुआ ये पहली बार हुआ है ना, जो सच है वही दिखाया जाए, जिस नाम से चलाया जा रहा है उसमें बुराई क्या है। राज में नहीं हुआ, मायावती के राज में नहीं हुआ, इन्हीं के राज में क्यों हुआ? अगर इंसान के तो नाजायज में सजाओ किसी को। नेम प्लेट जो है वो बिल्कुल सही किया, ठीक है ना, लेकिन लोगों को सच बोलना चाहिए। तो एक और सुनिए, सच बोलने में क्या चला जा रहा है? सच सच की बात कर रहे हैं। अभी यूपी में 2020 में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर रूल बनाया गया था, और अभी उसमें प्रावधान यानी चेंजेस करे गए हैं कि अगर कोई जबरन धर्मांतरण कराएगा बलपूर्वक धन पूर्वक तो, और या फिर लव जिहाद मतलब नाम बदल के किसी को फंसाएगा, किसी भी लड़की है उसको, तो अब उसको 5 लाख जुर्माना और 20 या उससे अधिक साल का उसको जेल हो सकती है उम्र कैद। क्या वो सही है ये रूल? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ये लाना सही था, बिल्कुल सही था। अगर कोई जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराए वो सबके लिए, सबके लिए, ऐसा तो है नहीं कि अब्दुल का नाम नहीं रखा जाएगा, रोहन लिखेगा सबके लिए ना, रोहन भी लिखेगा वो भी लिखेगा। आपने बोला ना नाम, नाम लिखना चाहिए भाई हर किसी, नहीं लिखना चाहिए जैसे मस्जिदों को टका वो आप सही मान लो। तो फिर चलिए अगर अभी लिखोगे क्या नाम, नाम कितना बड़ा हो सकता है? कहाँ से लेके आए हो तुम? अरे ठेले वाले के पास किसके पास किसका था? अरे तो यार छोटा सा लगाओ ना, चार आम लग रहे हो उसके पे एक नाम लिखने में क्या दिक्कत है? उसके बाद हम कहाँ से लेके आए तो हिंदू पकड़ाओ फिर कैसे लोगों पे नाम? भैया अभी मैंने कल ही आम लिया तो क्या मैंने क्या, उसने तो कोई कलावा नहीं पहना तो मैंने लिए नहीं क्या? ये क्या बात है? अभी मैं डेंटल पे गया था, दादी का ना उसका नाम अरमान है, मैंने कराया नहीं क्या? बल्कि मेरे बगल में तो डेंटल देखो हर किसी पे ना अलग अलग मुद्दे होते हैं, बीजेपी वालों पे धर्मांतरण ये मुद्दे भाई, उनपे किसी पे रोजगार के मुद्दे सब पे ये बताइए कि जो अभी जाति जनगणना करानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए, वो तो ये राहुल गांधी जी ने बोला था संसद में कि जाति जनगणना करानी चाहिए। अनुराग सुनिए, अनुराग ठाकुर भाजपा के ने बोला जिसको खुद को अपनी जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना क्या कराएगा? इससे पहले अखिलेश ने भी बोला था, अखिलेश यादव ने जाति के बारे में, आपने शायद न्यूज देखा होगा थोड़े दिन पहले, अखिलेश ने भी बोला था। और जाति जनगणना ना ये पता है बहुत पहले से ही चिल्ला रहे थे। अंकल बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, बोलो अंकल। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? अरे भाई साहब अभी रुक जाइए ना, कैमरा चालू है। अरे वो सर्च करेंगे ना, मैंने भी अभी सर्च करा था आपका, आपको कैमरा ऑन। तो जाति जनगणना तो देखो वो तो जिसकी अगर कांग्रेस की आएगी तो वो कराएंगे। जाति जनगणना का मतलब क्या है कि हर कितने कास्ट के कितने लोग, हम तो हिंदू जितने भी हम तो धर्म में बटे हुए हैं, रियलिटी है, मतलब वैसे जाति तो हर धर्म में होती है ना। अरे जैसे हर धर्म में तो होती है, जैसे इनके में मलिक है, चौधरी है, हालांकि चौधरी मेरे को आज तक समझ नहीं आया हुआ कैसे, बात तो बिरादरी होती है ना, हाँ अलग अलग बिरादरी होती है, वैसे वही जाति ऐसी हम लोगों में होती है। आपका मुझे देखो नहीं पता, तो इसमें ये सही है जाति जनगणना कराना सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है सही, कैसे नहीं है? नहीं क्या चीज जाति जनगणना? चलिए यहाँ पे जो हमने लोगों से बात करी, जो भी उसका प्रतिक्रिया और जो भी कंक्लूजन निकल के आया, मैं अपनी जनता को बोलूंगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी चर्चित विषय के साथ, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।